कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, तब यही दुनिया नाम तुम्हारा जपते जपते पीछे पीछे आएगी। बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो, अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, हंसना है तो रोना होगा। चमकना है अगर सोने की तरह, तो आग में खुद को तपाना होगा। बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी, तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। भूल जाओ तुम कौन हो, बस एक बात को याद रखो, सबसे पहले है अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें नीचे गिराएंगी, थोड़े से मजे के बदले तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाएगी। लेकिन तुम इस जाल में मत फंसना, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखना। तुम्हारा लक्ष्य है खुद को बेहतर करना और इस दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करना। खुद को किसी से कम मत समझना, तुम में भी कुछ बात है, कुछ करने के जज्बात हैं। ठान लिया तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, बदल दो जो हालात है। उठो और आगे बढ़ो, बिना थके बिना रुके बस चलते चलो। इसमें ना रत्ती भर भी शक है, कामयाबी तुम्हारा हक है। साइड आउट मोटिवेशन लंबा चलता है, ये अंदर वाला मोटिवेशन होता है आपकी आइडेंटिटी। दोबारा सुनिए, आपकी आइडेंटिटी, आप हैं कौन? आप एक गरीब आदमी है, वो आइडेंटिटी है। आप एक बहुत बुद्धिमान आदमी है, आइडेंटिटी है। मैं इंग्लिश सीख नहीं पाऊंगा, ये आइडेंटिटी है। इंग्लिश तो मैं ही बोल के दिखाऊंगा, ये भी आइडेंटिटी है। कैसा आइडेंटिटी बिल्ड होता है, उसके बनता है आपका बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ क्या है, हाथ पे अगर आप टैटू कर लेते ना टैटू, ये पानी से मिट जाएगा, साबुन से मिट जाएगा। आपके शरीर का टैटू है ना, ये तो सर्जरी करने पे मिट सकता है, लेकिन आपके जो ब्रेन का टैटू है, इसको कोई सर्जन भी नहीं मिटा सकता। आपकी नजर का इलाज तो कर देगा, डॉक्टर नजरिया का नहीं कर पाएगा। अगर देश को बदलना है तो यूथ आजकल ना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ठो ट्रेंड चल गया, अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से? बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पर तुमको घुमा रहा है। और लड़कों भी कहते हैं, जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना, उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे। अरे फालतू ये सब चीजें, जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके।
और हस्बैंड वाइफ में भाई साहब हमारे जितने दोस्तों की शादी हुई है ना वो सब परेशान रहते हैं हस्बैंड वाइफ में। इन दोनों में केवल एक खराबी है, दोनों अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझता है। हमारे भाई साहब आप मिलजुल के रहिए। अभी क्या है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबका जॉब लगेगा, आप में से सब शादी भी है सबकी होगी भाई, आपका परिवार खुश रहे। लेकिन आप देखिए शादीशुदा इंसान हमेशा परेशान रहता है, ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। समस्या क्या है, वाइफ चाहती है हस्बैंड को समझाएं अपनी बात और हस्बैंड चाहता है कि हम अपनी बात वाइफ को समझाएं। भाई आप दोनों से कहना चाहते हैं, आप कोशिश करिए ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी बातों को आप समझ जाइए और आपसे कहते हैं आप अपनी बात मत थोपिए इसकी बातों को समझिए। होता क्या है, लड़कियों को लगता है कि इनका हस्बैंड बाहर करता क्या है, ऐसे पैसा बरसता है पेड़ से घिला के लेके चला। ऐसा नहीं है भाई, बाहर निकलिए फिर समझ में आता है ये कि वो बाहर जो आपके पिताजी या फिर आपके हस्बैंड या जो भी कमा के लाता है उसको कितना मेहनत होता है। और आदमी लोग को क्या लगता है घर में तो कोई काम ही नहीं है, उठो नाश्ता बनाओ। अरे भाई साहब झाड़ू लगाने से सही नाश्ता बन तो जरूर जाता है, फिर उससे पहले कितनी तैयारियां करनी रहती है, कहाँ कौन सा सामान है, एक दिन बना के देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा, फिर सब लोग खा लिए फिर उसको साफ करो। सबका अपने अपने चीज जगह काम होता है, कोई दुनिया की हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई ज्यादा कोई छोटा नहीं होता है।